नहीं वही 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 चोको नहीं आएगा। अरे चल रहे हो क्या विशु? तो आओ ना। ये मुझे क्या मालूम है चाबी लिए? बाय चोको। इसके लिए कुछ छोड़ दो। छोड़ दिया चलो, वो तो गंदा हो रहा है। अरे यार तू चल ना बेशु, बस अब हो गया, बंद कर दरवाजा। मैं कैसा मम्मी आपका रहा यहाँ का ट्रिप? हमारी याद आएगी कि चौको भी आएगी? सबकी आएगी, चौको की बहुत आएगी। जाता मत पूछे, मैं भावों को जाऊंगी, बहुत सेवा करेगी। प्लीज मम्मी, क्या सेवा? सेवा तो करी नहीं मम्मी है? सेवा तो करी नहीं। और हम मम्मी को छोड़ने जा रहे हैं, और ये हमारे चोको के सारे दोस्त बैठे हुए हैं जो इंतजार करते हैं चोको के आने का, लेकिन चोको पहले ही आके घूम चुका है और विनय कार निकालने गए हैं। और क्या बात है, मुंबई में आके हमारी गाड़ी पहली बार इतनी चमकीली चमकीली लग रही है, वरना हमारी गाड़ी इतनी चमकीली लगती नहीं है। ये सामान कौन रखेगा भाई? कौन है मोबाइल का रोगी? मैं तो बिल्कुल नहीं, मेरे को तो सुबह से काम रहता, मैं बैठ के देख ही नहीं पाता। पूरी भर रही है गली। स्टेशन आ चुके हम लोग, लेकिन हमको पार्किंग नहीं मिल रही है। और हम स्टेशन से तो हम सही आए थे, लेकिन स्टेशन से इतना दूर हो गए हम लोग पार्किंग को ढूंढते ढूंढते। अभी डिसाइड ये किया है कि हम लोग उधर जाएंगे। पार्किंग मिल नहीं रही है, अभी हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर क्योंकि विनय कार में। मुंबई में यार ये बड़ा झंझट होता है। लोग स्टेशन पे आ चुके हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है और मम्मी आके बैठ चुकी हैं। और मम्मी जब तक ट्रेन में नहीं बैठ जाएंगी ना, मैं उनको कैमरे में दिखाऊंगी भी नहीं, क्योंकि बहुत ही अजीब से चेहरे बना बना के वो कर रही हैं। तो अभी ट्रेन आएगी, जब तक मैं उनको बिठा नहीं देती उनको चैन नहीं मिलेगा। अब मम्मी हंस रही हैं, हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है और हम लोग जल्दी जल्दी अपने ट्रेन की तरफ जा रहे हैं, इससे पहले कि ये लोकल ट्रेन आ चुकी है और लोकल ट्रेन के जाने के बाद ही हमारी ट्रेन आएगी। पर मम्मी को बहुत फिर कैमरा बिगड़ गया, एंगल बिगड़ गया, लेकिन मम्मी को बहुत घबराहट हो रही है, इसलिए हम लोग पहले ही जा रहे हैं। तो आपको मिलते हैं सीधे ट्रेन आने पर। तो मम्मी जा चुकी हैं और मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है कि मम्मी एक महीने हमारे साथ रही। तो बाकी की बातें मैं आपसे कार में करूँगी। तो फ्रेंड्स, मम्मी जा चुकी हैं और उनको हमने सही सलामत बिठा दिया है और पापा को फोन भी कर दिया है
और इस वक्त पापा मम्मी ऐसे बिछड़े प्रेमी की तरह बेचैन टाइप में हो रहे थे। मम्मी इतनी ज्यादा खुश थी, हालांकि हमसे बिछड़ने का दुख भी था, लेकिन वो खुश भी बहुत थी कि पापा से मिलेंगे पूरे एक महीने बाद। और उधर पापा भी बहुत खुश हैं कि मम्मी से मिलेंगे एक महीने बाद। तो बस इसी के साथ मैं ये ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो, ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, अगर नहीं आया तो मत करना लाइक। वैसे भी बोलने से आप लोग कौन सा करते हो, तो मत करना लाइक, मत करना सब्सक्राइब। लेकिन अगर थोड़ा भी पसंद आ गया हो तो कर लेना उसको लाइक भी, सब्सक्राइब भी, और शेयर भी, और कमेंट्स भी। तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग जब तक आए, तब तक के लिए बाय।